ऑपरेशन लव इज अब शुरू होने जा रहा है। ओप्स, हम गम वाला बैग तो लिफ्ट में ही भूल गए। एक सेकेंड रुको, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। 1000 पीस लव इज गम के, बढ़िया और मजेदार। बेन और रोजी गम इकट्ठी कर रहे हैं। हे बेन, तुमने इतनी सारी ले ली, रुको ये गलत है। ये रहा मेरे पास एक आइडिया, तुम्हें गम के पीसेस को चॉपस्टिक से उठाना होगा और हम देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा उठा पाता है। चलो शुरू करें, बहुत ही बढ़िया चैलेंज है रोजी के लिए। इसने गुलाबी कागज वाली ढेर सारी गम इकट्ठी कर ली और बेन मुश्किल से कुछ ही पीस उठा पाया। ऐसा नहीं चलेगा, बबल गम अटैक। हाँ, रोजी झट से गम को अपनी चॉपस्टिक से पकड़ लेती है। देखो और सीखो बेनी, और खबरदार जो गम को हाथ भी लगाया तो ये गेम के रूल्स के खिलाफ होगा। क्या तुम जानती हो रोजी, रूल्स तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। तुम बहुत बुरे हो बेन। हम जितनी भी गेम्स गम से खेल सकते हैं वो करने के बाद हम अभी भी एक नए आइडिया की तलाश में है। ये गम कितनी खिंचावदार है। रोजी इसे पकड़ो। मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है, चलो चले। हम गम को खींचकर एक कूदने वाली रस्सी बना देंगे। बेन इसे पकड़ो, चलो अब कूदे। रस्सी कूदने के उस्ताद के आने की जगह बनाओ, थोड़े हाथ पैर खोलना जरूरी है। 1 2 उप्स, हम असफल रहे। अब हम एक और चैलेंज के साथ आएंगे। एक बोरिंग नाइट, चलो आओ बबल गम चैलेंज खेलें। सिर्फ यही जगह है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हे तुम, आज की हमारी बबल गम चैलेंज में आओगे। बबल गम्स की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अब यहाँ तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे। बिना देखे गम को ढूंढना, प्रतियों की नहीं देख सकते कि डब्बों में क्या है, शायद ही उनके अच्छे के लिए ही है। कीड़े के ढेर में से गम को ढूंढो, या फिर राजमा और टमाटो सॉस के बॉल में से, और कैक्टसेस में से। बेन सबसे बहादुर है। आह, ये तो चुप रहा है, ये क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेजहॉग ना हो। वैसे मुझे गम मिल गई, मैं जीत गया। अगली बारी है हॉली की। आओ लड़कियों, ये क्या है? कुछ अजीब सा ही है। छी, मैं जानना तक नहीं चाहती ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही किसी ने च्युइंगम खाकर इसमें थूकी हुई है। ये रही, ये कितनी चिपचिपी और गंदी है। रोजी बाकियों से थोड़ी कम खुशकिस्मत है। हम उम्मीद करते हैं इसे कीड़े पसंद हो। हे भगवान, ये तो हिल रहा है, ये तो कीड़ा है। क्या मुझे इसे ही खाना होगा? अगर मैंने इसे निकाला है तो। रोजी, तुम्हें गम खानी है, कीड़े खाना बंद करो, इसे वापस रखो। ओह, भगवान का शुक्र है, आखिरकार ये रही मेरी गम। चलो आओ हॉली, एक साथ खाएं। और ये रहा एक और चैलेंज, गम को बिना हाथ लगाए निकालो। रोजी जीतने के लिए तैयार है। हे बेन, तुम चलो, मुझे अपने बाल बांधने हैं। हमारे पास है पानी, आटे और दूध का बाउल। चलो शुरू हो जाओ दोस्तों। हॉली, क्या तुम अपने चेहरे पर आटे का मास्क लगाना चाहोगी? वैसे बेन, तुम अपने दूध का स्वाद क्यों नहीं चखती? क्या तुम तैयार हो दोस्तों? रेडी सेट गो। तुम भी हॉली। रोजी आसानी से गम को नीचे से निकाल लेती है, बिल्कुल एक जल परी की तरह। हॉली भी आटे के बाउल से अपनी गम निकाल लेती है, पर वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रही है। और बेन को भी पूरे हफ्ते का दूध पीना पड़ता है, पर बेन भी गम ले लेता है। बबल गम चैलेंज एक बहुत ही अच्छा मौका है लंच प्रैंक का। हर किसी के खाने के लिए बर्गर्स है। गम को माइक्रोवेव में पिघलाएं और अलग अलग तरह की फूड कलरिंग डालें। बर्गर का सामान बनाएं, बन का आकार बनाएं, एक पैटी, लेटस,
टमाटर के पीसेस। चीज बन के ऊपर का हिस्सा बनाए। बबल गम बर्गर को तैयार करें। सफेद गम से बनी तिल से सजाएं। पर सिर्फ रोजी ही एक बड़ा बबल फुला पा रही है। तुम ये कैसे कर रही हो? एक साथ तीनों करते हैं। जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। नाकामयाब रहे। क्या तुम्हें पता है इसका राज क्या है? मेरा बर्गर गम से बना है, इसलिए मैं सबसे बड़ा बबल फुला रही हूँ। हम आज टेस्ट देने लगे हैं, पर हमारा बबल गम चैलेंज अब तक चल रहा है। हमारा टेस्ट देने का बिल्कुल भी मन नहीं। चलो मिस स्मिथ को लू बनाए। हे हॉली, अपना मीठा कान इधर लाओ। थोड़ी सी गम को माइक्रोवेव में पिघलाएं। इसमें थोड़ी फूड कलरिंग मिलाएं। एक कान का आकार बनाएं। एक मॉडलिंग टूल की मदद से कान के गड्ढे बनाएं। अपने कान मुझे दो। ये स्वादिष्ट है। आह, मिस स्मिथ बचाओ मेरा कान। और क्रिस्टी टेस्ट के दौरान सिर्फ अपने नाखून ही नहीं खा रही, बल्कि अपनी उंगली खा रही है। गम को पिघलाकर फूड कलर डालें। इसे उंगली का आकार दे। नाखून को स्पैचुला से बनाएं। मॉडलिंग टूल की मदद से इस पर धारियां बनाएं। हल्के रंग के गम से नाखून बनाएं। इसे उंगली के गड्ढे में लगाएं। ये कितनी जूसी है। क्रिस्टी, नहीं, अपनी उंगली बाहर निकालो। पर केली तो सबसे ज्यादा ही अच्छा कर रही है। इसके पास अब तक के सबसे स्वादिष्ट और हरी स्नॉट है। गम को पिघलाकर त्वचा जैसा रंग बनाए। एक नाक का आकार बनाए। नाक के छेद बनाए। पालतू हिस्सा काटे। कॉर्न सिरप के अंदर हरी फूड कलरिंग डाली और इसे एक साफ शीशी में डाली। शीशी को नाक के पीछे बने गड्ढे में लगाए। इसे गम से ढक दे। मुझे मेरी ये लाजवाब नाक पसंद है और मेरी ये मीठी स्नॉट। ये तो बहुत ही बद्दा है। मैं इसमें तब और नहीं झेल सकती। ये स्टूडेंट्स तो शैतान हैं। हा हा, ये काम कर गया। ये टेस्ट कैंसिल हो गया। बेनी बेबी, क्या कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो बेबी। आओ ना, चलो मजे करें। क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते? अपने लैपटॉप को अकेला छोड़ दो। मैं इस कंप्यूटर से ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरे साथ खेलो। आओ भी, क्या तुम नहीं चाहते? तो अपने गैजेट को अलविदा कहो। रुक जाओ हॉली, मेरा लैपटॉप कहाँ है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्या तुमने इसे फिर से फ्रीजर में रख दिया? हो तो ये रहा। ये वैसे इससे भी बुरा हो सकता था। और ये क्या है? गम? हॉली, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम सोच रही हो कि तुमने गम से मुझे डरा दिया, तो तुम्हारी कोशिश बेकार है। ये बेन का सबसे बुरा सपना है। उसकी गर्लफ्रेंड और बहन ने एक साथ मिलकर उसे जिंदा गम में दफना दिया। चलो आओ बेनी, हम दुनिया के सबसे बड़े गम बनाएं। तुम्हारे पास यहाँ हर तरह के गम है लड़कियों। हमने इतनी सारी गम पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत ही बड़ी बनने वाली है। एक बड़े कंटेनर में बबल गम भर लें। हेयर ड्रायर की मदद से इसे गर्म करें और गूंद लें। फूड कलरिंग डालें और धीरे धीरे एक बड़ी गम बॉल का आकार बनाएं। हमारी विशाल गम अब तैयार है। कमाल की है। मेरी कैविटीज, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। पर हॉली के पास एक नया प्लान है। वो गम को खींचकर एक बड़ी गुलाबी स्लाइम बनाना चाहती है।
और इसको अभी के लिए कोने में फेंक देती है। हे बेनी, इधर आओ, हम तुम्हें मीठे स्क्वाडल में बांध देंगे। क्या आपको हमारे बबल गम चैलेंज पसंद आए तो नीचे कमेंट करें कि आप कौन सा चैलेंज आजमाएंगे। क्या आप बबल गम बर्गर बनाएंगे, एक कान को खाएंगे या फिर कीड़े में से गम को निकालेंगे? और भूले नहीं इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी मजेदार चैलेंज वीडियो मिस न करें।